नमस्कार, मैं हूं डीजी और आपका स्वागत है गपशप न्यूज पर। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग दोबारा शुरू हो गई है। फिल्म की कहानी भी सामने आ गई है और इस बार फिर से अक्षय कुमार पर्दे पर देशभक्ति दिखाते नजर आएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था बेल बॉटम किसी साउथ की फिल्म का रीमेक है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये एक फ्रेश और नई कहानी पर बनी है। बेल बॉटम की कहानी को लेकर पिंक विला ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये प्लेन हाईजैकिंग पर आधारित होगी। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक जासूसी की भूमिका में नजर आएंगे जो भारतीय विमानों के अपहरण की गुत्थी सुलझा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेल बॉटम की कहानी 80 के दशक में हुई कई प्लेन हाईजैकिंग पर आधारित होगी, जिसमें अक्षय कुमार एक जासूसी का किरदार निभाते दिखेंगे और लारा दत्ता उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म की कहानी के मुताबिक 80 के दशक में कई चौंकाने वाली घटनाएं सामने आई थी। तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस दौर में कई प्लेन हाईजैक हुए थे। अक्षय कुमार अपनी फिल्म में इन्हीं मामलों की गुत्थी सुलझाते दिखेंगे। फिल्म में दर्शकों को भारत पाकिस्तान का एंगल भी दिखाई देगा। बेल बॉटम में अक्षय कुमार के साथ लारा दत्ता और वाणी कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगी। वाणी कपूर फिल्म में अक्षय के ऑपोजिट कास्ट की गई हैं। बीते दिनों ही अक्षय कुमार और फिल्म की पूरी टीम चार्टर्ड प्लेन से विदेश रवाना हो गई है। अक्षय कुमार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण बेल बॉटम की विदेश में शूट करने का फैसला किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।